हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। अभी मैं मेरठ में हूँ और आज वापस देहरादून जाना था। मेरा भाई गाजियाबाद गया हुआ है, वहाँ से आता शादी से और इधर मदर हमें पिक करके जाना था देहरादून। लेकिन अभी क्या है, बंसल जी आ रहे हैं, उनको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है तो वो अकेले आ रहे हैं, तो बस मैं उनको ज्वाइन करता हूँ और फिर मैं उन्हीं के साथ देहरादून निकल जाऊँगा आज। बाकी मदर और भाई अपना कार से आते रहेंगे। फिलहाल मेरठ में ये माहौल है, धूप निकली हुई है, दिन खिला हुआ है। ठीक है, यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ, बंसल जी को मैं यहीं पे मिलूंगा। हमारे घर के बिल्कुल सामने ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। आ गए बंसल जी, आ गए। घर पे आ गया हूँ वापस और अभी बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ देहरादून बंसल जी के साथ। ये देखो क्या करो चाची जी, 100 रुपए क्यों दे रही? ब्याह ना करवाता तो देती रहो जब तक जब ब्याह हो जाएगा फिर ना मिलने के। अच्छा चलो ठीक है, इधर तो ना रखा मेरा कुछ इधर। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और हम तो भाई देहरादून की तरफ निकल पड़े हैं, हरिद्वार से होते हुए जाएंगे। पहुँच गए हैं हरिद्वार, एक्चुअली हरिद्वार के पास भाद्राबाद में पहले भी आया था ना MSBD सन्स पे, इन पे ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं वो मिलते हैं। सर जी को एक खरीदना है गीजर, यहाँ पे थोड़ा देखते सस्ता मिलेगा। भाई फुटबॉल भी है, कार के व्हील्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। आपसे मेरी बात हुई थी, हरिद्वार देखो कैसा लग रहा है, लाइटें कितनी बढ़िया लग रही है। फोग का सर है, ये फोग पड़ रहा है। देखो भाई कोहरा आया हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो फिर भी कम है, उस तरफ खेतों की तरफ ज्यादा कोहरा है। हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, देहरादून पहुंच चुका हूं और यहां पे IT पार्क पे कैलाश रेस्टोरेंट है, उस पर सबसे बेस्ट पनीर बटर मसाला मिलता है। हाफ पनीर बटर मसाला ले लिया, इससे अच्छा पनीर बटर मसाला कोई नहीं बना, 5 स्टार वाले भी नहीं बना पाते भाई, बहुत अच्छा लगता है। बंसल जी ने मुझे इस दुकान के बारे में बताया था, तो अब चलो करते हैं डिनर। ये देखो भाई भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पर, ये देखो सब जगह हर टेबल पर आदमी है, हर टेबल पर। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो आज मैं यहाँ पर रुका हूँ हॉस्टल में, रात पहुंच गया था, तो थोड़ी देर में भाई और मदर भी आ जाएंगे देहरादून, तब मैं अपने घर पर जाऊंगा। और यहाँ पर शांतनु भाई चाय पी रहे हैं और सौरभ तो अपना नाश्ता आ गया भाई, नाश्ता करते हैं। किस चीज़ के पराठे बना रखे हैं? बथुए के पराठे। चलो भाई हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। और भाई दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे किचन, ये बाहर भी बेड है, किचन ये आज का बना रखा है। काम करते करते बच गए हैं 1:30 हॉस्टल के अंदर ही, तो देखते हैं क्या बनाया। अभी लंच भी मेरा तो यही होने वाला भाई। शांतनु भाई क्या कर रहे हैं? पुलाव बनाए, पुलाव थोड़ा सा ये मिल जाएगा रायता भाई। अमित भी आ चुका है, तो यहाँ पे रायता मिल गया, पुलाव मिल गया और यहाँ पे कुछ बैंगन की सब्जी बच रही है, पता नहीं कैसी लगेगी, हल्की सी ले लेते हैं। चलो भाई ये मेरे को ड्रॉप कर देगा घर तक। UP 12 पुलिस बहुत है क्या बड़ा लोग। चलो भाई ताला ले रहे हैं अमित के घर के लिए, दिखाइयो किसके लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए ना। के अंदर जितना महंगा सामान उतना महंगा ताला लो। और ये देखो देहरादून की सबसे छोटी दुकानदार, कौन सी क्लास में? 5th में। अरे वाह, 60 का तो ये ले ले, थोड़ा मजबूत भी है। सो गाइस बैक टू होम, मम्मी भी आ चुकी है। यहाँ पे तो बन रही है दाल, पर मैं खा के आया हूँ हॉस्टल में पुलाव। तो गाइस शाम के 5:15 बज रहे हैं और देहरादून में इस प्रकार का माहौल है। आज धूप थोड़ा जल्दी चली गई है, हल्का सा मौसम ख़राब है, दिखाया हुआ था। अभी 3-4 दिन मौसम साफ़ है, फिर दोबारा से 4 दिन के लिए मौसम ख़राब है, तब देखते हैं वो मौसम कितना ख़राब होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं दिखाई हुई है। 12:15 बज रहे हैं और भाई फाइनली अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गया, तो न्यूज़ देख रहा था और बहुत खुश हो रहे हैं लोग। कोलकाता में ज़्यादा क्रेज़ है अर्जेंटीना का, आज से पहले ऐसा मैच कभी नहीं हुआ। पूरा 90 मिनट खेले, फिर एक्स्ट्रा टाइम खेले, फिर पेनल्टी शूट आउट, और पेनल्टी शूट आउट में भाई अर्जेंटीना जीत गया और मेसी ने वर्ल्ड कप उठा लिया है। ये इसका लास्ट मैच था, इसके बाद फिर अब ये कभी नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप। रोनाल्डो तो खैर पहले आउट हो गया था, पुर्तगाल उसकी टीम, लेकिन खुश है कम से कम एक तो जीता। रोनाल्डो नहीं जीता तो मेसी जीता। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 19 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और फिलहाल ये माहौल मैं देख रहा हूँ। वेदर अभी ख़राब होने वाला है अगले 2 दिन बाद, फिर 4 दिन तक लगातार ख़राब रहेगा, पर बारिश होगी या नहीं होगी
इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं मैट्रेस है ये रिटर्न मैंने उसी दिन डाल दिया, जिस दिन आया था ना ये, 5 दिन पहले उसी दिन मैंने रिक्वेस्ट डाल दी थी रिटर्न के लिए, लेकिन अब तक नहीं आया लेने। और भाई मैट्रेस बहुत बढ़िया है, ये देखो ये वाला मैट्रेस ना सुपर है, स्प्रिंग वाला ये, मतलब भाई रियली सोने में बहुत मजा आ रहा है इस पे। मेरे जो YouTube मनी थी मैंने सारी लगा दी इसमें, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जाने दो, 17,000 का आया था ये। अब इसको रिटर्न होगा, दूसरे वाले पर देखते हैं कितने का आएगा। बोलते हैं बोनल स्प्रिंग मैट्रेस, ये टेक्नोलॉजी जो है बोनल स्प्रिंग मैट्रेस की है। और जो मैं दूसरे वाला मंगाऊंगा या तो यही मंगाऊंगा या फिर मंगाऊंगा डायमंड वाला या फिर पॉकेट स्प्रिंग आती है, देखते हैं। आज मैं चलते हैं मार्केट में मम्मी के साथ, तभी खरीद कर आते हैं। तो दोस्तों अब आ गई हैं सर्दियाँ, तो अब मेरा मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का, साइकिलिंग करने का, और वेट भी बस भाई 103 हो चुका है। 94 तक खींच लिया था मैंने पिछली बार, ये वापस 103 आ गया, तो भाई सीरियस होकर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो और साइकिलिंग भी चलानी पड़ेगी। चलो एक्सरसाइज करते हैं। भाई काफी दिन हो गए ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन आई हुई है, इसको मैं लगा ही नहीं पाया, अब लगाते हैं। तो इसको ना मैं अपने आप ही लगाऊंगा, मैंने देख ली थी इसकी YouTube वीडियो ना ट्यूटोरियल कैसा लगता है, तो इसकी ढंग से सफाई करते हैं, इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है इसी से होगी, काश लग जाए गलती ना हो, वैसे तो गलती होनी संभव नहीं है, मैंने अच्छे से YouTube वीडियो देख ली है। तो ठीक है ये स्क्रीन लग चुकी है, पर मुझसे ये बबल रह गए हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की लगाने की पर नहीं लग पाई, तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको पैक कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये वैसे ही ना ख़राब हो जाए, क्योंकि आधी तो मैंने निकाली दी थी, मैंने वापस भी चिपका दी थी एक बार इसको, ये पोलोथीन ना जो वन साइड जो नीचे वाली थी, पर छोड़ो अब मैं इसी में ही काम चलाता हूँ। भाई इसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, अभी इसको बाहर लेके चलते हैं धूप में, फिर देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। ठीक है जब ये ऑन हो गया तब इतना पता नहीं चल रहा कि उसका बबल का ना, मैं काम चला लूँगा इसको, ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे एडिटिंग ही करनी है ना, मैं टीवी देख ना मैं मूवी देखता कुछ नहीं देखता, तो एडिटिंग तो हो ही जाएगी। लेकिन धूप में चलते हैं फिर देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स करेगा ये। तो भाई बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है काम चल रहा है अपना, धूप में बैठ के भी काम कर सकते हैं। अब देखो अगर रिफ्लेक्शन आता ना तो मैं भी दिखता, तो मेरी चेहरा दिखता इसमें। पिछली बार जब मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाई थी धूप में, तब आपको याद हो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, मैंने ना 5 मिनट इस पर काम करके देखा, तो डिफ़िकल्टी तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब इतना मैंने फुल ब्राइटनेस कर दी इसकी, उसके बावजूद मतलब ध्यान से काम करना पड़ रहा है, थोड़ा कंसंट्रेशन हाई करके, ये नहीं है कि बिल्कुल इजीली काम हो जा रहा है जो छाम घर जो क्रूम के अंदर होता है, पर फिर भी चल जाएगा चलो काम। ये देखो ये कैसे चमक रहे हैं इसके, पहले अभी बंद है ना यो, अभी रुक जाओ आधा मिनट रुके रहिए, थोड़े से चक्कर काट लेगा ना। तो भाई दूध निकाल रहे हैं सेपरेट का, कम ही दूध निकलता है हमारा थोड़ा सा, वैसे पूरा भरा होना चाहिए तो मज़ा आएगा। ये निकल चुका है अपना सप्रेटा मिल्क और ये आ गई क्रीम, कितने किलो होगा ये, 5 किलो है, 5 किलो भाई, 5 किलो में ये और क्रीम देखो कितनी निकली है, अभी तो और निकलेगी इसमें फंस रही होगी अभी इतनी तो। सोते हैं यार बहुत दिन हो गया आराम किए धूप में ना, सोते हैं चद्दर ओढ़ के, माहौल देखो कैसा हो रहा है यहाँ से, मस्त धूप निकल रही है, कभी कभी मौका मिलता है रिलैक्स करने का, वरना भाग दौड़ बहुत इधर उधर भागना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अभी भी ये जो मैट्रेस आया था ना ये गलत आ गया था, तो इसको पिक करने आ रहे हैं आज, और आज मैं नया सोफ़ा ला रहा हूँ, मम्मी के साथ मार्केट ही जाता हूँ कर लो ना। बंसल जी से पूछा था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे राजा रोड है वहाँ पे सारे मैट्रेस वाले, तो वहीं से लाता हूँ। देर यहाँ पे लेटा रहा, अब धूप भी चली गई है, चलो अंदर चलते हैं, कोई मिस्टेक निकल ली इसलिए हाथ से नाप के ले जाता हूँ भाई कि गद्दा होना कितना चाहिए, 1 और 8 यहाँ तक आ रहा है, ये इतना आ रहा है। इंस्टेप मिल गया, चलो तो इंस्टेप पे नाचते हैं, चलो इंस्टेप ठीक रहेगा, चलो रखो ऊपर रखो इस पर रखो, हटो पेन तो ठीक है, इंस्टेप से हमने नाप लिया ये 72x70 यही चाहिए, अब चलते हैं मार्केट कर लोन के शोरूम पे, चलो चलते हैं गद्दे लेने,
भाई दिन काफी अच्छा है, शांत है, देहरादून ड्रोंगो बड़ उड़ रही है उधर। हाँ, टेम्परेचर 21 डिग्री हो रहा है। कहते भाई सहारनपुर चौक, लेकिन रास्ते में ही एक मैट्रेस वाला दिख गए, सामने कर लोन इनसे देख लेते हैं। इनके पास कर लोन बोलन स्प्रिंग मैट्रेस है, जो वही वाला है सेम जो हमने मंगाया था। ये वही वाला है मम्मी, 8 इंच का बिल्कुल सेम है। इसे दोनों तरफ से बिछा सकते हैं क्या? यहाँ वो वाला गद्दा है ही नहीं जो चाहिए था, दूसरा था महंगा मिल रहा था 4000 रुपये। अब चलते हैं कहीं और, एक ऑथराइज पे चलते हैं आगे की तरफ। पहुँच गए भाई रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गद्दा मिल रहा है नहीं। वो गद्दे हैं जो अपने मतलब के हैं, ये बोनल डिजायर टॉप, और ये दोनों तरफ से ही वही वाला है जो देखा था। ये सही नहीं है, ये थोड़ा वो है पॉकेट स्प्रिंग वाला है ये। ठीक है, अभी जिस गद्दे वाले पे गए थे उससे फाइनल कर दिया है, थोड़ी देर में गद्दा घर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पड़ा है 23000 रुपये का, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो अगर सेम साइज में लेता हूँ तो 20000 कुछ का था, 20-21 के करीब का, पर ये 23 में दे रहे हैं। और लेकिन वो वाला मॉडल मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। डबल में मेरे में सिंगल टॉप था, ये डबल टॉप है, इसे दोनों तरफ से कहीं भी बिछा लो। मैं चल रहा हूँ ये देहरादून का सबसे कंजस्टेड एरिया है, बस धीरे 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 चलती रहती है यहाँ पे कार। ये है सहारनपुर चौक से लेके प्रिंस चौक तक, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और लेफ्ट में पूरा मार्केट है, औरत की दुकान है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जाम यहीं पे रहता है। आप देख रहे होंगे कार कैसे चल रही है, रहेंग रहेंग के चलती रहती है, क्योंकि बीच में ये साइकिल वाले ऑटो वाले ये भी यहाँ पे अरहत वाले काफ़ी है ना, जो माल ढोते हैं इधर से उधर। गूगल मैप ना अगर किसी कोई आता है हमारे घर तो इधर से भेज देता है अंदर, बल्कि ये सबसे गलत रास्ता है, एक जगह और उधर से भेज देता है, तो इसलिए गूगल मैप के साथ साथ ना अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन आ गया, अंग्रेजों के ज़माने का है, बना हुआ है। ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। और यहाँ पे क्या है, जैसे मेरठ में हापुर अड्डे है ना, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिल्ली में वो जामा मस्जिद के आसपास का एरिया है। ये देखो ये पूरी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये नमूना बिल्डिंग इस तरफ, जैसे मेरठ में सोतीगंज है उस तरह का एरिया ही है। काफ़ी लंबा जाम है वहाँ तक, ये पूरा देखो कितना जाम वाला एरिया है। और यहाँ पे ना सारी बाइकें स्कूटी ठीक करने की दुकानें हैं जितने भी हैं, और देखो बड़े बड़े हांडी दिखाई देंगी आपको हर एक दुकान पे। यहाँ पे मुरादाबादी चिकन बिरयानी इस तरह से है ये वाला एरिया पूरा, ही नमूना बिल्डिंग। मैं आया हूँ बफेट सोप, यहाँ की फेमस सोप है, बहुत भीड़ लगी रहती है। है सैंडविच है, शेक भी है इनके पास। चलो तो कॉफ़ी तो आ गई अपनी, कोल्ड कॉफ़ी भाई। यहाँ पे जितना भी सामान है ना सब 30-30 रुपये का, 30-25, इससे ज़्यादा का है ही नहीं, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैं तो कार में ही ले आया सब कुछ, सैंडविच भी रोल भी, यहीं बैठ के खा रहे हैं। रोल कैसा लग रहा है? सबसे बेस्ट ये है रोल इसका, अच्छा लगा। कभी खाना तो रोल खाना इसका। ये बर्गर है, इसके 25-30 रुपए के बर्गर होते हैं, चीज डाला हुआ है, काफी अच्छे लगते हैं। नेटाली मिली है, नेटाली की मम्मी उसकी सिस्टर। ठीक है भाई, बैक टू होम। और अभी नेटाली मिली थी जो कि पेरू से है, जो हमारी ही एक रिश्तेदारी में उसने शादी कर रखी है अंकित सांगवान से। उसकी मम्मी आई हुई है, सिस्टर आई हुई है पेरू से। मैंने उनको इन्वाइट किया, मैं ज़्यादा तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनको घर आने के लिए इन्वाइट किया। जब वो आएंगे खाना खाने आज कल परसों जब भी आएंगे देख लेंगे, हो सकता है मैं उनके साथ घूमने भी जाऊँ। तो फिलहाल भाई गद्दे वाला थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर दिखाऊंगा कैसे गद्दे हैं। थोड़े से महंगे पड़ गए गद्दे, जो ये वाले गद्दे थे अगर सेम इस, ये 8 इंच के गद्दे थे, ये 8 इंच वाले गद्दे हैं, ये देखो ये काफ़ी मोटे गद्दे हैं, और ऐसे गद्दे मार्केट में है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि डबल साइड से पिलो टॉप है, इसमें सिंगल है, तो 6 इंच के लेने पड़े, वो 8 इंच के यहाँ मार्केट में है ही नहीं, 6 इंच वाले लेने पड़े डिजायर टॉप वाले। वो बड़ी मुश्किल से लास्ट उन्होंने 23000 में दिए, वरना भाई ये तो 30000 के गद्दे आते हैं, और पहले बोल रहा था 26, फिर 25, फिर 23 पे आ गया लास्ट, क्योंकि हम पहले दूसरी दुकान पे गए थे, फिर उसकी दुकान पे गए जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे सहारनपुर चौक पे। थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर देखते हैं कैसा कंफर्ट। वो गद्दे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे भाई के रूम में पड़े हुए हैं। तो सही बताऊँ जो गद्दे मुझे पसंद आ रहे थे वो कितने के थे? वो थे भाई 80000 के। 80000 के गद्दे कम से कम लेने, अब नेक्स्ट टारगेट ये, अभी तो 23 के लिए, अगली बार 80000 के लेंगे गद्दे। गद्दों का मुझे बहुत शौक है, तो की हो ही रही है, तो भाई इसको भी देख लो, ये बेकार गद्दा हमने गलती से लोकल मार्केट से ले लिया था, शायद पता नहीं 1500-2000 का था। इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर इसमें सोते हैं ना तो दब जाता है, थोड़ी देर में ही आदमी परेशान हो जाता है, इसमें दब जाता है, बिल्कुल धस जाता है, ये किसी भी काम का नहीं है। हटाओ, इसे गद्दे वाला आ रहा है, इसको लेके जाएगा अभी, इस पोलोथीन में इसको घाल देते हैं ताकि रिटर्न ले ले भाई, वो मना ना करे। वैसे तो मना करेगा नहीं, पर पन्नी में ही ठीक है, जब पन्नी से हमने निकाला। मस्त भाई, इसमें 5 दिन सोया, मस्त मज़ा आ गया, गेम मस्त अपना पैक हो गया भाई, वैसे ही जैसा आया था, पूरा पोलोथीन लग गई इस पर। अब कोई बता नहीं सकता कि इस पर मैं 5 दिन सोया हूँ, ब्रांड न्यू है, अभी किसी और कस्टमर पर चला जाएगा। तो भाई ये एक हैक है, किसी को अगर 5 दिन ऐसे गद्दे पर सोना हो ना, पहले ऑर्डर करो, 5 दिन मस्त सो, फिर वो रिटर्न ले जाएंगे 5 दिन बाद, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। चलो तो भाई दूसरा वाला गद्दा भी आ चुका है जो हमने आज देहरादून से ख़रीदा है, और ये वाला गद्दा वापस जाएगा। ये तो पूरा आ रहा है ना, ये तो इसमें तो कमी नहीं है ना, देख लो। नहीं ये तो ठीक है, ठीक है ना, ये तो 72x70 है ना, ये तो चलो देख लें।
ये वाला मैट्रेस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यही चाहिए था हमें। 72x70 और 6 इंच का है। बस मुझे दुख बात यह है कि यह 6 इंच का मैट्रेस है और जो मैंने पहले अमेजोन से मंगाया था ये 8 इंच वाला था। अब ये मुझे 17,000 के करीब में पड़ गया था, अब ये महंगा पड़ा है भाई, ये 23,000 में पड़ा है स्टेशन के बाद, वरना वैसे ये 26,000 का है क्योंकि हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है। अगर हम दूसरी दुकान से ले लेते तो सस्ता महंगा मिल रहा था, 3,000 रुपये महंगा। अब इसमें पंगा क्या हो गया, डीलर ने बोला कि जो तुम्हें मैंने रेट दिए हैं वो डिस्काउंटेड वाले दिए हैं, लेकिन मेरे पास डिस्काउंटेड वाला गद्दा नहीं है, वो आएगा 3 दिन बाद। तो उसने हमें ये वाला गद्दा 3 दिन के लिए दे दिया है, अब 3 दिन बाद दूसरे वाला गद्दा देगा जो डिस्काउंटेड वाला है, ये पुराने वाले रेट का है महंगे वाला। तो कह रहा मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको ये वाला दे दूं, वरना आपको पैसे दे दें ज़्यादा देने पड़ेंगे 3,000 रुपये। तो हमने कहा ऐसा नहीं है भैया, हमें आज ही गद्दा चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी दुकान पर आए थे। तो फिलहाल बोल रहा पन्नी मत उतारना, मैं तो उतारूंगा भाई पन्नी, 3 दिन पन्नी से थोड़ी सोऊंगा। तो ठीक है, एक चादर हमने बेड पर बिछा दी है क्योंकि भाई ये डबल वाला है ना, कभी इधर से बिछा दो कभी इधर से बिछा दो, और इसमें काफ़ी सारी नोकीली चीज़ें निकली हुई हैं ताकि फट ना जाइए। तो इससे पहले चादर बिछा दी, उसके बाद इसको डालते हैं। गद्दा बिछ चुका है, बिल्कुल बेस्ट, मज़ा आ गया। अब इस पर बिछाएंगे हम दो नई चादर, एक तो मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी, नीले वाली अच्छी लग रही है, पहले नीले वाली बिछाते हैं। तो नीले वाली चादर ऐसी लग रही है इस पर, अब दूसरे वाली बिछाओ। अरे मम्मी आलस कर रही, कह रही दूसरी नहीं बिछा रही अभी, चलो कोई नहीं इसी पे लेट जाते हैं, बढ़िया लग रही है, मस्त नींद आएगी। पर ये ना दूसरी चादर की तरह नहीं है जो पहले बिछा रखी थी भारी वाली, वो तो जहाँ चिपक गई, ये देखो कैसे जा रही है, भाग रही है इधर उधर, ऐसी चादर मुझे बहुत गंदी लगे। ठीक है भाई, इस बार ना एक गद्दा खरीदना इतना बड़ा सिरदर्द हो गया है, एक गद्दा ये खड़ा है, ये वापस जाएगा अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं इसको लेने, एक गद्दा ये आया है, ये भी यहाँ नहीं रहेगा, ये भी हमारा नहीं है, अभी 3 दिन बाद ये भी चला जाएगा, फिर तीसरा गद्दा आएगा उसको हम यूज़ करेंगे। क्या ड्रामा है यार, हद हो गई। इन्होंने ना दो तकिए भी फ्री दिए हैं, तो इनको भी डाल दो इसके कवर में, ये भी कर लो उनके। वैसे मैं फाइबर वाली कम यूज़ करता हूँ, पर इसी को यूज़ कर। तो ठीक है, यहाँ पर अपने पिलो भी आ चुके हैं, मस्त हो गया भाई, पिलो भी मस्त है, ये भी मस्त है, मस्त नींद आएगी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना यहीं पे घर पे रहो, सो दबा के। चलो अब मैं इस पे लेट के देखता हूँ, वाह बहुत बढ़िया। सो गाइस ठीक है, रात के बज रहे हैं 1:15 और यहीं पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल अभी यही चल रहा है लाइफ में, आज कुछ खास नहीं हुआ, बस गद्दे लेने गए और बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, जल्दी कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ खास करते हैं जो कि आपको व्लॉग में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको इनमें से कोई भी गद्दा चाहिए जो मैंने आपको ये गद्दे शो किए हैं, ये ऑनलाइन अमेजोन पे भी उपलब्ध हैं और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है माई शॉप अमेजोन में, और उसमें आपको जाके मिल जाएंगे। और देख लेना, साइज़ देख लेना, क्योंकि मुझसे तो भाई गलती होगी, मैंने गलत साइज़ मंगा ली, अगर आपके साइज़ का आ रहा है तो वो देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।